हातिम ताई, हिम्मत वाला और नागिन जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी का रंग बिखेरने वाले अभिनेता जितेंद्र को भला कौन नहीं जानता, जिन्होंने ना सिर्फ अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता बल्कि अपने डांस मूव से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। तभी तो पिछले कई सालों से फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहने के बावजूद भी इनकी फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं आई। वैसे तो आप इनके बारे में सब कुछ जानते होंगे, लेकिन क्या आप इनकी रियल लाइफ पत्नी के बारे में जानते हैं कि वो कौन है, क्या करती है, कैसी दिखती है? नहीं तो कोई बात नहीं, आज हम आपको जितेंद्र की पत्नी के बारे में बताएंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। अपने अलग स्टाइल के लिए जाने जाने वाले अभिनेता जितेंद्र का जन्म रवि कपूर के रूप में एक पंजाबी खत्री परिवार में अमृतसर पंजाब में अमरनाथ और कृष्णा कपूर के घर हुआ था। उन्होंने अपने दोस्त राजेश खन्ना के साथ गिरगांव मुंबई में सेंट सेबास्टियन गोवन हाई स्कूल में पढ़ाई की और फिर मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज में पढ़ाई की। बात की जाए अभिनेता जितेंद्र के फिल्मी सफर की, तो आपको बता दे जितेंद्र ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1959 में नवरंग से की थी, जिसमें उन्हें छोटी सी भूमिका निभाने का मौका मिला था। हालांकि इसके बाद करीब 5 साल तक उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में कोई फिल्म नहीं मिली, लेकिन 1964 में वी शांताराम की फिल्म गीत गाया पत्थरों ने में उन्हें विजय की भूमिका निभाने का मौका मिल गया। इसे उन्होंने बड़े पर्दे पर बड़ी खूबसूरती से पेश किया। ये फिल्म एक सफल फिल्म साबित हुई और इसके चलते जितेंद्र अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। जितेंद्र ने गुनाहों का देवता और बूंद जो बन गई मोती जैसी फिल्मों में काम किया। इसी साल रवि कांत नागाईचो की फिल्म फर्ज आई, जिसमें जितेंद्र ने एक डांसिंग स्टार की भूमिका निभाई। यही वो फिल्म है जिसके बाद जितेंद्र को जंपिंग जैक के नाम से पुकारा जाने लगा। इन फिल्मों के बाद जितेंद्र कई सफल फिल्मों में नजर आए, जिनमें धर्मवीर, स्वर्ग से सुंदर, हमजोली, खुदगर्ज, हिम्मत वाला, तोहफा और आदमी खिलौना है जैसी कई बेहतरीन फिल्मों के नाम शुमार हैं। जितेंद्र ने बेशक अपने फिल्मी करियर में एक से एक बेहतरीन किरदार किए, लेकिन इसके बावजूद जितेंद्र ने अपनी जिंदगी में काफी कम अवार्ड हासिल किए। जितेंद्र ने अपने अब तक के करियर में लगभग 200 फिल्में की हैं। इस दौरान इंडस्ट्री की लगभग हर बड़ी एक्ट्रेस के साथ जितेंद्र की जोड़ी बनी है। उन्हें भारतीय सिनेमा का इकलौता ऐसा एक्टर माना जाता है जिन्होंने 80 रीमेक फिल्मों में काम किया और खूब लोकप्रियता हासिल की। अब बात की जाए जंपिंग जैक जितेंद्र की रियल पत्नी के बारे में, तो आपको बता दें जितेंद्र की रियल लाइफ पत्नी का नाम शोभा कपूर है, जिनसे उन्होंने साल 1974 में शादी की थी। बता दें कि लव स्टोरी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं। जितेंद्र और शोभा कपूर बचपन से ही एक दूसरे को प्यार किया करते थे। शोभा कपूर जब 14 साल की हुई तो उन्हें जितेंद्र से प्यार हो गया था। जितेंद्र ने शोभा कपूर को पहली बार मुंबई के मरीन ड्राइव पे देखा था और मूंगफली के दाने भी फेंके थे। 16 साल की उम्र में दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय बिताने लगे। जितेंद्र जब स्ट्रगल कर रहे थे तो शोभा ब्रिटिश एयरवेज में काम कर रही थी। जॉब की वजह से शोभा को अक्सर विदेश में रहना पड़ता था और वो चाहकर भी अपने प्यार यानी जितेंद्र को वक्त नहीं दे पा रही थी, लेकिन उन्होंने अपने प्यार के लिए अपनी जॉब छोड़ दी और साल 1974 में जितेंद्र संग शादी रचा ली। इस शादी से इन्हें 2 बच्चे हैं, जिनमें इनकी बेटी का नाम एकता कपूर है और बेटे का नाम है तुषार कपूर। एकता कपूर फिल्म और टीवी सीरियल प्रोड्यूसर है और तुषार कपूर एक एक्टर है। तो आपको जितेंद्र की रियल लाइफ पत्नी के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी और दिलचस्प बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।